फाइनली क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट हैज बीन अ वाइल सिंस मैंने जो है ना वो आप लोगों के साथ हेलो हाय किया। मैं अपने यूट्यूब पे नहायत ही इनएक्टिव हूँ, पता नहीं क्या वजह है। आप लोग व्यूज वीडियोस को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, फिर इस वजह से जो है ना वो क्या होता है कि मेरा मोराल लो हो जाता है और मैं जान सा ना वो वीडियोस नहीं बना पाती। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी रमज़ान में भी इधर उधर, लेकिन मैं उनको पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत मसरूफियत रही। खैर चले, आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ कुछ छोटी सी अपना शॉपिंग हॉल शेयर करना आई हूँ। गर्मियों के कपड़े जो मैंने खरीदे हैं एक न्यूली लॉन्च ब्रांड से, एंड आई लव देयर कलेक्शन। तो मैंने कहा चले मैं अपने फॉलोअर्स के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। मेरे पे जो इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग वहाँ पे स्टाइलिंग वीडियोज़ नज़र आएंगी उन ड्रेसेस की, लेकिन मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कुछ लोग जो यूट्यूब पे देखते हैं मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करते, लेकिन आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लें, उससे आप लोगों को मज़ीद आइडिया हो जाएगा। तो जो गर्मियों की शॉपिंग की है बहुत सारी माशाल्लाह, बाय पार्ट शो करूँगी। अभी मैंने जो कपड़े हैं ये खरीदे हैं शिफली ब्रांड से, एक ऑनलाइन ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी प्राइसेज हैं। मतलब इस तरह आजकल लॉन के जो कपड़े हैं ना, जो ब्रांडेड हैं, जो इनके डिफरेंट डिज़ाइनर्स के, वो तकरीबन 12-13-14-15 हज़ार का सूट शुरू होता है। और इतने महंगे कपड़े बना के फिर हम जब लेसिस लगाते हैं उनके साथ, उनके ऊपर हम जो है ना वो करते हैं, उनकी सिलाई देते हैं, करते करते वो सूट जो 15 हज़ार का ना वो 20 हज़ार या 22 हज़ार का मिल जाता है, और फिर एक सीज़न पहने जाते हैं और अगले सीज़न हमें लगता है कि वेस्ट। तो खैर बनाने चाहिए, अल्लाह ने दिया हो तो हर तरह के कपड़े बनाने चाहिए। मैं सब तरह के ही लेती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ मीडियम रेंज के कपड़े मुझे अच्छे लगे थे। ये ब्रांड का नाम है शिफली, वेबसाइट यहाँ मेंशन कर देती हूँ, उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, shifli.com, वहाँ पे आप जाएँ। ठीक है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इनके प्राइस 7-8 हज़ार इनकी प्राइसेज हैं, और 5 हज़ार भी हैं टू पीस के, कुछ थ्री पीसेज भी हैं जो 5-6 हज़ार के हैं। तो ज़रूर लें, अनसिलें, सिलवाएँ और पहने एंड फ्लॉन्ट करें। ठीक है चले जी, विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। आप लोग देखना, कमेंट से बताने कि आप लोगों को मेरे ड्रेसेस कैसे लगे, और इंशाल्लाह ताला वीडियोस पे रेगुलर रहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, हरीज और बहनें भी मेरी शॉपिंग से मुस्तफीद हो सकें और वो भी लॉन की शॉपिंग करने में उनको आसानी और उनको अच्छी गाइडलाइन मिल जाए। ठीक है, कपड़े सारे स्टिच होके आ गए। ठीक है, अनसिले सूट थे ये, मैंने उनको स्टिच कराया और मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन सारे। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो मैं सारे दिखा रही हूँ। अब मैं कैमरे को दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ। बात कर लेते हैं इस ड्रेस की, इसकी मैं कैटलॉग पिक्चर भी साथ में अटैच कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से लॉन फैब्रिक है, कपड़ों का फैब्रिक, इसका ड्रेसेस का फैब्रिक बहुत अच्छा है। ठीक है, गला मैंने इसका इस तरह का बनवाया जैसा कि कैटलॉग पिक्चर पे था। पैच है गले का, बाजुओं के पैचेस के बीच में लेसेस लगवा के इनको इस तरह से अटैच करा लिया है। ठीक है, और इसकी ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, शिफली एम्ब्रॉयडरी है। मतलब शिफली एम्ब्रॉयडरी वो होती है जो सुराख वाली एम्ब्रॉयडरी होती है ना, उसको शिफली एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो इस तरह से सेल्फ प्रिंट चिकन बनी हुई है। देन ये इसका घेरा है, इस तरह से प्यारा सा घेरा बना हुआ, और इसके साथ नीचे ये बॉर्डर था जो कि पैच किया है मशीन वाले ने। ठीक है, और फिर इसके साथ जो है ना इसके ये बैक में भी मोटिव है, ठीक हो गया, स्लीव से भी मोटिव है, ट्राउज़र इसका प्लेन है। ठीक है, और साथ में मैंने जो है ना वो ये इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा जो है ना वो ये है ऑर्गेन्जा का, बहुत ही फाइन और बड़ा अच्छा ऑर्गेन्जा है। मतलब कि पहन के ना ऑर्गेन्जा बहुत लाइट है, ठीक है, गिरता नहीं दुपट्टा। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा अक्सर होता है कि वो गिर जाता है, ये दुपट्टा बिल्कुल भी गिरता नहीं है और बड़ा टिका रहता है, और पहना हुआ बहुत प्यारा लगा। मैं अपनी पिक्चर भी अटैच करती हूँ जो मैंने ये पहना था, और मैं आप लोगों को मॉडल की पिक्चर भी अटैच कर दूंगी। इस पर इस तरह से सेल्फ प्रिंट हुआ हुआ है, ब्लॉक प्रिंट, ठीक है, और इसको मैंने इस तरह से ये लेस लगवाई है ग्रे, और ये पाइपिंग लगा के सिलवाया है इसको, ग्रे कलर की सिल्क इसको पाइपिंग लगवाई है, शर्ट को लगवाई है सेम कपड़े की पाइपिंग, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आजकल कंट्रास्ट पाइपिंग नहीं चल रही, बहुत कुछ अच्छा आपका सूट का इस तरह का है कि पाइपिंग का कलर मध्यम होता हो तो फिर आप उसको कंट्रास्ट पाइपिंग लगवाएं, वरना पाइपिंग आजकल सेम लगवाएं और बाहर निकली हुई पाइपिंग भी नहीं चल रही, इस तरह की पाइपिंग चल रही है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया, और ये गला आजकल बहुत इन है, मैंने इसका ये गला बनवाया है, बहुत प्यारा ड्रेस है। इसकी कीमत इसका सब कुछ मैं अटैच कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी, अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो ज़रूर ऑर्डर करें। और ये इसका ट्राउज़र है साथ में। अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरा ड्रेस। आगे
गया ये ऑरेंज ड्रेस, ये इसका भी फैब्रिक बहुत फाइन है, ये बिल्कुल मतलब दो ऑरेंज सा इसका कलर है, बहुत प्यारा पीच ऑरेंज कलर है, ठीक है, पीच और ऑरेंज लाइंस है इसमें, और इसके अंदर इस तरह से बारीक बारीक बूटी वाला डिज़ाइन बना हुआ है चिकनकारी का, साथ में इसके स्लीव्स हैं। अच्छा ये वाले बॉर्डर्स इसके साथ आए थे, लेकिन मैंने जो है ना वो इसको बिल्कुल कैटलॉग पिक्चर की तरह स्टिच करवाया है, ठीक है, और उस तरह वो मोती लगा के ऊपर, देखें कितना प्यारा ये लग रहा है, इसके बाजू इतने प्यारे लग रहे हैं कि जब जिसने भी देखा ना मुझे पहने भी, उसने कहा कि आपने इसको स्टिच कितना प्यारा कराया और इसके बाजू कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप यही वाला ड्रेस लेकर स्टिच कराएंगे तो फिर आपको और भी प्यारा लगेगा पहनावा। तो इसके साथ ये आया था और ये थे, बाकी लेसेस खुद लेके तो अंदर इसके स्टिचिंग करा लिए। ये इसका गला और गंजा का बॉर्डर था, गले पे भी देखें इस तरह से मोती लगवाए हैं, ठीक है, और ये इसकी फुल लुक है। ये इसका घेरा है, घेरे का ये पैच नीचे घेरे पे पैच हो गया और ये बॉर्डर घेरे पे लग गया। दुपट्टा इसका इस तरह के फैब्रिक का है, ये आजकल ये भी दुपट्टा बहुत अच्छा है, इन फैब्रिक है और ना टिकने वाला फैब्रिक है, मतलब सर पे जो लोग ओढ़ते हैं वो भी ओढ़ सकते हैं और जो लोग जो है ना वो गले में डालते हैं वो गले में डाल सकते हैं, गले में डाला भी टिक जाए तो अच्छा होता है, बार बार दुपट्टा गिरे तो इंसान वैसे एम्बैरेसमेंट का शिकार होता है और अच्छा नहीं लगता। तो फैब्रिक दुपट्टे का बहुत अच्छा है। इसको ना मैंने ये चौड़ी वाली लेस लगवाई है, कैटलॉग में भी यही लेस लगी हुई थी और मैंने बिल्कुल वैसी कॉपी मारी है ताकि मेरा ड्रेस वैसा ही लगे और बहुत प्यारे उन्होंने इनको स्टाइल किया हुआ था, तो उस तरह से ही मैंने इसको स्टिच करवाया है, तो आप लोग भी अगर लें तो ऐसे ही स्टिच करवाएं। खैर दुपट्टे का आइडिया ये कि इसको सेम पाइपिंग लगवा के ना ये चौड़ी लेस लगाई, चौड़ी लेस वाले दुपट्टे बहुत प्यारे चौड़ी लेस वाले दुपट्टे बहुत प्यारे लगते हैं, जितनी चौड़ी लेस दुपट्टे को लगी दुपट्टा उतना ही प्यारा लगता है, जब मुंह पे आ रहा हो तो उतना प्यारा लगता है, कंधे पे आ रहा हो तब भी, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा मोस्टली मेरे दुपट्टों की लेसेस चौड़ी चौड़ी ही होती हैं। और अच्छा इसको पाइपिंग मैंने लगवाई है ये वाली ट्राउज़र के कपड़े की, क्योंकि वो इसके अंदर भी इस तरह के कलर्स आ रहे थे ना सारे, तो वो मैच हो गई इसके साथ, मतलब और नहीं लग रही, अगर वाइट लगवाती ना तो वो फिर थोड़ी सी अच्छी लगती, लेकिन ये ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैंने सेम लगवाई पाइपिंग, ठीक है। और ये इसका ट्राउज़र है चेक फैब्रिक का, ठीक है। सो ये हो गया जो ऑरेंज ड्रेस, ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ अब, और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ सारी स्टाइलिंग वीडियोस इनकी डली हुई है, मैं कैटलॉग पिक्चर भी अटैच कर दूँगी और मैंने जो पहना था उसकी पिक्चर भी अटैच कर दूँगी। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। जी अगला ड्रेस है हमारा ये ब्लैक वाला, ठीक है, ये भी बहुत प्यारा, इसके गले के ऊपर देखें इस तरह से ये पैच हुआ हुआ है, ठीक है, फ्रंट के ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी है ये, और इसके जो स्लीव्स हैं उनके ऊपर इस तरह से एक बॉर्डर था, तो उसके अंदर ना मैंने ये ऐसे यहाँ लेस लगवाई और इसको ऐसे बनवा लिया, वो बाजू के ऊपर भी पैच है, ठीक है, और ये इसका जो है ना वो पैनल्स का कपड़ा है चिकन, और उसके अंदर ये लेस लगवा के ना इसको मैंने इस तरह से स्टिच कराया, और इसको भी मैंने देखें ब्लैक भी पाइपिंग लगवाई है, सेम टू सेम एज द ड्रेस, क्योंकि मुझे सेम पाइपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है कंट्रास्ट, और आपको मैंने बताया कि कंट्रास्ट का आजकल फैशन भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसके बॉर्डर थे उनको मैंने इस तरह से अंदर अटैच किया लेसेस के साथ, जैसे खूबसूरती आ जाती है सीढ़ी लेस लगाने से ना, एकदम से खूबसूरती आ जाती है ड्रेस की, और ये इसका घेरा आ गया, और फिर जो ये वाली लेस थी ना ये एडिशनल ली थी क्योंकि कैटलॉग में भी उन्होंने ऐसे ही लगाई हुई थी, इसलिए फिर मैंने भी वो, और मुझे लकीली ना सारी ड्रेसेस उस तरह की मिल भी गई हैं सेम टू सेम उसी तरह के डिज़ाइन की, तो मैंने फिर मैंने कोशिश ये की कि लगाऊं, अगर ना अच्छे लगे ना मुझे कभी कैटलॉग में तो वैसे नहीं मैं लगवाती, लेकिन इसमें मैंने वही लगवाई है, कितनी प्यारी लेस और इतनी नीटली इसको पैच कराया है, ठीक है। फ्रंट बैक का इस तरह से हो गया, और इसके साथ जो ट्राउज़र है ना उसके अंदर ही मैंने वो सीढ़ी लेस इस तरह भरवा के तो ट्राउज़र का डिज़ाइन बनवाया। इसका ये दुपट्टा है ग्रीन शफोन का, ये भी बड़ा अच्छा शफोन है फैब्रिक, और बहुत एरी और बड़ा अच्छा, बड़ा सर पे टिकने वाला और बड़ा अच्छा फैब्रिक है, कंधे पे टिकने वाला। इसके ऊपर मैंने ये लेस शर्ट को बाजू पे लगवाई है ना, वही लेस दुपट्टे को लगवाई है, और इसको ब्लैक पाइपिंग लगवाई, क्योंकि इसको अगर मैं सेम पाइपिंग लगवाती ना फिर वो अच्छी नहीं लगनी थी, क्योंकि इसको इसके साथ मैंने मिक्स एंड मैच करना था, तो इसको मैंने ब्लैक पाइपिंग लगवा ली। कैटलॉग में भी ऐसे लगी थी, और एक मैंने ये बीच में इसमें जोड़ डलवाया, उससे ना जरा दुपट्टे के अंदर एक खूबसूरती आ गई ना, डिज़ाइन सा आ गया। तो जी ये हो गया एक सूट, ठीक है, पहन के दिखाती हूँ, कैटलॉग पिक्चर अटैच कर देती हूँ, इनके पेज को आप फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे ऑर्डर करें, प्राइस मेरे ख्याल इसकी 8,000 है अनसिले की, स्टिच खुद कराएं अपनी मर्ज़ी से अपने साइज़ का, मुझे इनकी क्वालिटी बहुत पसंद आई है, मेरी तरफ से ब्रांड हाईली रिकमेंडेड है। दिस ड्रेस ये है जी अंगूरी सा कलर, ग्रीन कलर है, बहुत प्यारा है, इसके गले के साथ ये पैच था, और ये देखें मैंने इसके गले पे इस तरह से मोती लगवा के इसको खूबसूरती दी है,
और ये इसके बाजू हैं, ठीक है, बाजू पे ये पैच इसके साथ है, बाकी लेसेस और ये डिज़ाइन जो है वो टेलर ने बनाया है, कैटलॉग में भी ऐसे ही बना हुआ था, ठीक है। और ये इसके स्लीव से मोती लगवाए, ऐसे इसको पाइपिंग लगाई है ऑफ वाइट, क्योंकि जो ये बॉर्डर है इसके साथ फिनिशिंग के लिए आगे ऑफ वाइट पाइपिंग लगवाई है, अगर इसको ग्रीन पाइपिंग लगवाते तो थोड़ा ऑड लगता। और ये इसको वाइट लेस लगवा के इस तरह से फिनिश कराया है। ये इसका घेरा है, और इसके घेरे के लिए देखें कितने प्यारे पैचेस हैं साथ में, ये बहुत प्यारे, मतलब कि बहुत आजकल हम एम्ब्रॉयडरी कराएं ना तो इस तरह की लुक आती है, तो ये उन्होंने पैचेस साथ में दिए हुए जो कि पैचेस वाला अटैच करेगा इसको, ठीक है। और ये इसका घेरा है, ठीक है, और इस तरह से इसको पाइपिंग शाइपिंग लगवाई है। और इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है, ये टू पीस था, तो इसके साथ ना मैंने दुपट्टा खुद से लिया ये शिफॉन का, और उसको डाई करा के तो उस पर वो सेम लेस लगवा ली है, ठीक है। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है वो ये देखें, ये है जो ट्राउज़र का डिज़ाइन, वही जो शर्ट वाली लेसेस है ना, जो शर्ट में कहीं कहीं यूज़ हुई है, अलग से ये सीढ़ी लेस के मैंने लगवा के ट्राउज़र तैयार करवाया है, पिक्चर में अटैच कर दूँगी। बहुत प्यारा ड्रेस है ये भी, डू ऑर्डर फ्रॉम, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये ब्रांड, इनकी जो लॉन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। एक मेरा अभी सिला नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी वो सिलेगा तो फिर स्टाइल भी करूँगी और दिखाऊंगी, सिला हुआ नेक्स्ट कपड़े सिल के आने के साथ दिखा दूंगी, अभी अनसिला दिखा देती क्योंकि फिर इसी ब्रांड का शॉपिंग हॉल कर रही हूँ ना। एक ये है, ये अभी तक स्टिच नहीं हुआ, तो इसकी ये लुक है, ठीक है, ये शॉकिंग पिंक है लगता कैटलॉग में, लेकिन असल में ना ये मजेंटा टाइप कलर है, बहुत प्यारा सा ये इसका, ठीक है, ये इसका सेंटर पैनल है, ठीक हो गया। और इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत है, देखें पिंक ऑर्गेंजा, बहुत प्यारा फाइन ऑर्गेंजा, और उसके ऊपर उन्होंने ब्लॉक प्रिंट किया हुआ है ऑरेंज, ठीक है। और ये आगे इसका शलवार और ट्राउज़र और बैक और बाजू ये हैं, ठीक है, और साथ में उन्होंने ना ये बहुत सारे इसके साथ पट्टियाँ दी हैं, ये घेरे की हैं, ठीक है, और ये बाजुओं की, मतलब मिक्स एंड मैच देखते हैं पिक्चर में देखते हैं, हाँ जो ये वाली है ना ये बाजुओं की है, और ये घेरे का बॉर्डर है, ठीक है। और साथ में इसके जी लेसेस भी हैं पैनल्स में डालने के लिए, ये वाली लेस है और ये वाली लेस है जी दुपट्टे की, और ये है ड्रेस, और ये इसका नेकलाइन है इतना प्यारा सा इसके साथ दिया हुआ उन्होंने, और ये पैचेस हैं फॉर दी शोल्डर्स या घेरे पे लगवा लें या जहाँ भी, खैर इसको मैं अपने स्टाइल से स्टिच कराऊँगी, सो इसको श्रिंक करूँगी, अब सिलवाऊँगी, नेक्स्ट टाइम जो कपड़े सिल कराएंगे उनमें दिखाऊँगी, होपफुली इसके साथ भी मुझे सेम लेसेस मिल जाएं जैसे इसको लगी हुई हैं, तो फिर ये भी ऐसा ही तैयार हो जाए, ठीक है। दिस वॉज माई शॉपिंग हॉल फ्रॉम शिफ्ली ब्रांड, एंड आई लव देयर क्वालिटी, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है, चिकनकारी बहुत अच्छी है, पैचेस बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही फाइनली और बहुत ही खुला कपड़ा है, मतलब आप मोटे आप पतले आप सिलवा सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, लेकिन मुझे तो ये इतने अच्छे लगे थे कि मैंने सारे 4-5 ऑर्डर कर लिए, आप लोग भी ज़रूर ऑर्डर करें, ठीक है, और सिलवाएं और पहने। ब्रांड को मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर डाल दूंगी साथ में लिंक इनका, डू फॉलो देम, मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।